पैसा, मैंने तुम्हारा पैसा तुम्हें एक दिन में ही लौटा दिया। मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें एक वीक में दूंगी, बट मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही पैसा वापस कर दे रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे यहाँ और रहने के लिए दीजिए। अब तुमने मेरा पैसा दे चुका है तो तुम यहाँ पर रह सकती हो। और हाँ, अब आप चिंता मत कीजिएगा क्योंकि मैं आपको समय पे ही पैसा देते रहूंगी। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मुझे पैसा दे ही दोगी। ठीक है, तो मुझे दे देना। अरे वाह, कितना जल्दी मुझे इतना मोटा पैसा मिल चुका है, बहुत मजा आ गया। टाइम हो गया है मुझे अपने काम पे जाने का, चलो अब चलती हूँ। अरे बेटा, तुम बहुत जल्दी आ गई। हाँ वो मैं आ गई, वैसे मिस चाय नजर नहीं आ रही है, वो तो है ही नहीं, उनके बिना तो मजा ही नहीं आएगा होटल में। हाँ बेटा, उसका थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए नहीं आ पाई। हेलो, कैसी हो मॉम? कैसे हो फांग, ठीक हो ना? हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा, पर मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। सुसी बार होटल में एक लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है, बस तुम उसे एक बार जाके मिल लो बस। और बेटा, तुम तो मेरी बात सुनोगे ही ना? मॉम, आपको पता है कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, आप फिर भी बोल रही हो मुझे। तुम मेरी बात टाल नहीं सकते, तुम्हें मिलना होगा जरूर से। ठीक है मॉम, बस मैं उसे एक बार मिल लूंगा, बट उसके आगे आप कुछ भी मत सोचना। ये पागल लड़की कब से बैठी हुई है, अभी तक एक बाइट भी नहीं खाई है, पता नहीं क्या कर रही है। क्या उसको ये लग रहा है कि मैंने उसके खाने में जहर मिला दिया है कि वो एक बाइट भी नहीं खा रही है अभी तक? अंकल एक बार उस लड़की को दे देखो, एक बार भी नहीं खाई अभी तक। अरे बेटा ऐसे मत बोलो, हो सकता है वो किसी का इंतजार कर रही है। मैंने मम्मा को 10 बार मना कर दिया कि वो सब ऐसा वैसा काम ना करे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट तुमको सुनना ही नहीं है, वो तो बस क्या ही क्या बोलती है। क्या तुम ही जासमीन हो? हाँ, मेरा ही नाम जासमीन है और मुझे तुम्हारी मम्मा ने तुमसे मिलने के लिए खास की बुलाया है, इसलिए मैं स्पेशल तुमसे मिलने के लिए यहाँ आई हूँ। और मुझे तो तुम एक बार में बहुत अच्छे लगे, तुम तो बहुत स्मार्ट भी हो, मुझे तुम एक बार में पसंद आ गए। अंकल कोई आया है, मैं उससे पूछ के आती हूँ उन्हें क्या चाहिए। सर आपको क्या चाहिए? यहाँ पे बहुत सारे खाने की चीज मिल सकते हैं, आप बस एक बार ऑर्डर कीजिए। बर्गर है, पिज्जा है, चिकन है, रोस्ट चिकन है, आपको जो चाहिए आप बता दीजिए बस एक बार। बस इस होटल का नाम सुसी बार है, यहाँ पे आपको हर चीज मिल सकता है। बस अब चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ये तो वही है जो उस दिन मुझसे टकराया था। अरे तुम क्या मुझे पहचान सकते हो कि मैं कौन हूँ? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि तुम कौन हो। ठीक है सर, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, आप लोग बातें कीजिए, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। मुझे पूरा यकीन है कि ये वही इंसान है जो उस दिन मुझसे टकराया था, पर ये मुझे पहचान क्यों नहीं रहा है? और ये तो बहुत अमीर इंसान है, और अगर ये मेरे होटल में आया है तो इसको यहाँ से कुछ खा के ही जाना होगा, वरना मैं इसे जाने नहीं दूंगी। पर ये लड़की इसके साथ कौन है? चलो थोड़ी देर देखती हूँ। तो फांग, तुम मुझे एक बार में ही बहुत अच्छे लगे हो, तो ये रिश्ता डन है। पर तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, और तुम्हें मैं बता देता हूँ कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, बस मैं अपनी मम्मी की वजह से तुमसे एक बार मिल लिया हूँ, और इसके सिवा मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करना है। तो क्या फिर तुम अपनी मम्मी की बात को ठुकरा दोगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम खुद मम्मी को जाकर बोलोगी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो और उसके बदले मैं तुम्हें इतना सारा पैसा दूंगा, तो क्या डील डन है? बिल्कुल डन है, तुम समझो कि अब मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हुए, बस तुम ये पैसा मुझे तक पहुँचा दो और बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊँगी। तो फिर ठीक है, ये लो पैसा और अब मेरे रास्ता में मत आना। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा फांग, और हाँ अब से मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, बाय बाय। पैसे के सामने किसी की क्या ही वैल्यू हो सकती है, मुझे पैसा मिल गया, मुझे क्या ही चाहिए। अरे वो लड़की तो चली गई, कहीं ये भी ना चले जाए, मुझे इसे रोकना होगा।
कहाँ चले जा रहे हो? रुको रुको रुको, ऐसे नहीं जा सकते तुम। तुम ऐसे हमारे होटल से नहीं जा सकते हो, बिना कुछ खाए पिए तुम यहाँ से जा ही नहीं सकते हो। हमारे होटल का एक रूल है कि अगर कोई इंसान यहाँ आया है तो उसे ऑर्डर तो करना ही होगा, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे कुछ खा के ही जाना होगा, वरना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मुझे खाने का मन नहीं है, समझ गई? ऐसे बोलने से कुछ नहीं हो सकता, समझ गए? तुम्हें यहाँ से कुछ ना कुछ खाना ही होगा बस। तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो, मैं जब से आया हूँ तब से तुम बकबक करते ही जा रही हो। अगर ये होटल का रूल है तो मुझे तुम्हारे हाथ का केक खाना है, और वो भी टेस्ट में अच्छा होना चाहिए, वरना मैं तुम्हारे इस होटल को रेट दूंगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जल्दी से मेरे लिए यम्मी केक बना के लाओ। है? इसने क्या बोला केक बनाने के लिए? मुझे तो कुछ बनाने ही नहीं आता, मैं केक कैसे बनाऊंगी? लेकिन मुझे तो बनाना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं बनाऊंगी तो ये चले जाएगा और मेरे होटल को रेट बिल्कुल भी नहीं देगा। अरे यार, मुझे तो बनाने भी नहीं आता, बट लेट्स ट्राई करके देखती है, जैसे ही बनेगा मैं इसको खिला दूंगी। सर केक बन चुका है, अब आप इसे टेस्ट करके बताइए कि मैंने कैसा केक बनाया है। ये देखने में तो बहुत यमी लग रहा है, लेकिन अगर इसका खाने में टेस्ट बिल्कुल खराब रहा तो फिर तुम समझ लो कि तुम्हारा होटल गया। मैं इस होटल को बिल्कुल भी रेट नहीं दूंगा। यू, इस केक का टेस्ट इतना गंदा। छी, ये क्या तुमने बनाया, एकदम बेकार, इसका कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है। छी, इससे अच्छा कि मैं तुम्हारे हाथ का केक खाता ही नहीं। एकदम खराब टेस्ट था इस केक का, और रहा इस होटल का रेट, तो मैं इसको 10 में से 0 ही दूंगा। ये क्या हो गया? अगर मैं चाय देखेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। सर रुको रुको रुको, मैं इतने मेहनत से अपने हाथ से फर्स्ट टाइम आपके लिए केक बनाई और आपको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं फर्स्ट टाइम सिर्फ आपके लिए केक बनाई और आपको पसंद नहीं आया, ऐसे आप करोगे तो मिस चाय मुझे निकाल देगी और फिर मैं कहाँ जाऊँगी? प्लीज़ आप ऐसे मत बोलो, प्लीज़। फिर मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी? आपको तो कुछ मालूम भी नहीं है मैं क्या कर। अरे एक मिनट रुको रुको, तुम रो मत, तुम इतना जल्दी रोने क्यों लगी? अरे अरे सच में बहुत यमी केक था, बहुत मस्त टेस्ट था, बस मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारा रिएक्शन देख रहा था। नहीं, सच में बहुत अच्छा केक तुमने बनाया, और मैं तुम्हारी होटल को रेट 10 में से 10 दे रहा हूँ, बस मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इतने जल्दी इमोशनल हो गई। और बस इतना ही नहीं, तुम्हें आज मेरे लिए लंच भी लाना है, और मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम्हें लंच टाइम में मेरे लिए लंच लेके आना है, और ये रहा मेरा एड्रेस, तुम यहाँ पे आ जाना, और तुम अब रो मत प्लीज। थैंक यू सो मच सर, मैं आपका डिलीवरी आपके कंपनी में पहुँचा दूंगी। और ये रहा उस केक का पैसा जो कि तुमने बहुत यमी बनाया था, बस मैं मजाक कर रहा था। और सच बात तो ये है कि इस केक का टेस्ट बिल्कुल ही बेकार था। और पता है, उसने मुझे अपना नाम भी बताया कि उसका नाम फांग है और उसका एक बहुत बड़ा कंपनी भी है, और उसने मुझे ऑर्डर भी दिया है कि लंच टाइम उसके लिए लंच ले जाना है मुझे। ये तो बहुत अच्छा बात है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। अगर वो इंसान हमारे इस छोटे मोटे होटल में हमेशा आते रहेगा तो हमारा होटल बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा नाम हो जाएगा इस होटल का। अब आपको पता चला मिस चाय कि मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ? और हाँ, ये तो मेरा स्टाइल है, मैं थोड़ी सी नौटंकी बाज भी हूँ, बट ठीक है। मुझे मालूम है कि आप लोगों को ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी, और हाँ, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो तो इसलिए लाइक भी कर दो। और हाँ, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ और ये सीरीज को मैं बहुत अच्छे से बना रही हूँ, बहुत मेहनत करके बना रही हूँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और पार्ट 3 में तो और भी मज़ा आने वाला है आप लोगों, तो बस ऐसे ही वीडियो को देखते रहिएगा।